अरे यार, यू तो मेरी खिल्ली उड़ागी, पर कोई बात नहीं, हंसी तो सही। हंसु, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं जी बाबूजी, मट्टी लग गई थी मेरे चेहरे पे। तो कोई हंसने की बात नहीं है ना जी, यू खुशी तो काम जाने की है और अपने यार से मिलने की है। वही तेरे यार जिन्हें तू दिन भर गाली देता रहे। गाली का के है जी, गाली तो लिगड़ी जा, साले करने को तो के कहवे थे और करा कुछ भी नहीं, इसी वजह से दे दूं जी गाली तो मैं। के मतलब? एक मेरा यार डिप्टी, पूरी जिंदगी निकल गई उसको नू कह के पैसे उधार मांगते हुए, कि जिस दिन मैं बड़ा सेल्स मैनेजर बन गया उस दिन मेरा काम में रुक्का कटवा देगा। कटवा दिया तेरा रुक्का? कहा, उसने तो मेरा कुछ और ही कटवा दिया। बनना चाह रहा था सेल्स मैनेजर और बन गया दुकान पे ही ना। भाई एक साड़ी दिखा चकाचक। आपके लिए। अरे खसम, आदमी बड़ी साड़ी पहनते होंगे, मेरी लुगाई के लिए। ये लो बनारसी साड़ी। भाई साड़ी तो अच्छी लगी, पहनने के बाद पता पड़ेगी कैसी लग रही है। इसी के लागत टॉप कलर कर रखा भाई साहब। ले भाई पहन के दिखा। वाह जी वाह, अब जरा थोड़ा पेट अंदर और कीजिए, मेरी बीवी थोड़ी पतली सी है। तू बकवास बंद कर ले, थोड़ी देर में कहने लगी बालक पैदा करके दिखा। हाँ, के बीमारी बढ़ गई थारे? अरे तू घर को आजा जल्दी से। ऐसा खून पी रखा तुमने? चुपचाप यहाँ घूम जा के, ना तो लठ लेके वहीं आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रही है छमिया? राजा छमिया आजा। अरे लाल मिर्ची बन ठन के कहाँ चली? लाल मिर्ची और हलक में ऐसी घुसेगी धुआं सा उठा देगी साड़े। ले आजा धुआं काट ले, काट ले। आज देखू साड़ों को। हाँ, क्या आफत आ गई? भाई साहब कौन है ये औरत, बहुत बदतमीज है जी। यही तो है डिप्टी। डिप्टी? ऐसा कौन सा महकमा है जो साड़ी पहना के डिप्टी बनावे? इसके लिए छोरी नहीं कोई, छोरा ढूंढो कोई। ठीक है, आओ चलो भाई। तू भला क्या करके मानेगा? मैंने क्या कर दिया? अब वो कौन थे? अरे वो तुझे देखने आए थे। मैं के ताज महल हूँ जो देखने आए थे। तेरे ब्याह की खतर देखने आए तुझे, तुझमें साड़ी उतार के नहीं आ गया? तुमने आखिरी काट रखी थी, जल्दी आ जल्दी आ। अब तुम्हें तो पता ही है साड़ी उतारने में कितना टाइम लगे। ये मतलब है तेरा? मैं साड़ी उतारने पर हूँ हर टाइम। फिर भी टाइम का तो पता ही होगा कितना लगे। आज मैं मरूंगा। पापा नहीं, हाँ छोड़। पापा मरना, पापा आज चाहे तू पैर भी पकड़ ले फिर भी नहीं बचना। मैं तो यूं कह रहा था, जब मन नहीं है तो 150 रुपए देते जाओ, कम से कम एक पौआ तो पी लूंगा तुम्हारे मन ने गम में। चल निकल यहाँ से। गगन घटा। और तेरे दूसरे दोस्त का क्या हुआ? जी जो उसके साथ हुआ वो तो भगवान किसी के साथ भी ना करे। अच्छा खासा पढ़ लिख भी गया था और एक लड़की से प्यार भी करने लगा, पर ब्याह नहीं हुआ उसका। पर क्यों? उसके बाप की वजह से। साले तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर का क्यों निकल गई? पिताजी कब सुधरोगे तुम? और कब छोड़ोगे पागलपन? मैं इस घर के आगे से किसी को न निकलने दूं। आने दिया किसे? मेरे बाप की लड़ गई ना, तेरे बाप की है, अब क्या निकल के गई तेरा? राज, मुझे देखने वाले आ रहे हैं, या तो तुम अपने बाप की हरकतें बदल लो या फिर अपना बाप ही बदल लो। कैसी बात कर रही है भावना, बाप भी कहीं बदले आते होंगे क्या? मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर ले, तू बाहर जाके ना कोई अच्छा सा काम ही कर ले। काम मिलना भी तो आसान बात ना है भावना। राज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सुनो, एक काम करो, या तो कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो या फिर कोई अच्छे ब्रांड की पी लो, क्योंकि दिल तो टूटना ही टूटना है। इससे तुम्हारा लीवर तो बच जाएगा, क्योंकि अच्छे ब्रांड का यही तो फायदा होता है। बेटे क्या जहर लड़की है, हे भगवान, ये जहर खा के मरना है मुझे। भगवान एक बार मदद कर दो, बस भगवान प्लीज एक बार।
जी ये गांव कौन सा है? तुम्हारी ससुराल। क्या जी? वो सुखराल, सुखराल। आपके गांव में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, क्या आप रास्ता बता दोगे? मेहंदी का कैंप भी लगा करे? मैंने मेडिकल कैंप बोला है जी। आप यहाँ से सीधे जाइए, यहाँ से आगे जाके उल्टे हाथ पे मुड़िएगा, वहाँ एक नीम का पेड़ होगा, उसी के नीचे काला कुत्ता लेटा होगा, वहाँ से सीधे हाथ पे सामने आपको मेडिकल कैंप दिख जाएगा। जी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैं तो आपको जिंदगी भर रास्ता दिखा सकता हूँ। हाँ? जी मेरा मतलब है जरा संभल के जाना, क्योंकि चांद को पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है और मैं नहीं चाहता ये चांद किसी और का हो। के करूं यार, भावना ने तो मुझे नोटिस दे दिया, अगर एक महीने में नौकरी लगी ना तो भावना भी ना मिले। अरे भोखे मिस्टर इंडिया बन जावेगी जो मिलनी ना। साड़ो फिकर करो मेरी, अगर बापू ने यो सेल्स मैनेजर बनने वाला कीड़ा अगर बाहर ना निकलन दिया ना तो यो कीड़ा मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा, और फिर तुम्हारा भाई ऐसा गिरेगा खड़ा खड़ा जैसे दीमक लगी चौखट गिरा करे। अरे यार किसका बाप चावे कि उसका जवान छोरा साड़िया बांध बांध के पूरे गांव में घूमे। अरे आशिक तू सुन, अच्छी छोरिया का मिलना ना बहुत मुश्किल काम है, तो जगाओ अपने सोए हुए जमीर को। तो क्या करें हम? करना क्या है, दिखा दो दुनिया को कि देखने में जितने नालायक तुम हो उतने हो नहीं। इस काम से बाहर निकलो और काम करो काम। शहर जा रहा हूँ मैं राज के साथ। क्या करने? वहाँ जाएगा बड़ा सेल्स मैनेजर बनूंगा। चुपचाप फावड़ा उठा और खेत पर चल। ना कह दो खेतों से, उनका मेरा साथ यहीं तक का था बस, अब और नहीं। ले पकड़ और वापस ना आ जाइए। दूसरा बैग तो दे दो मेरा। सब कुछ तो इसमें ले चला, दूसरे में कौन सा खजाना है? मेरी साड़ी। इसी में रख दी? आराम से, मेरे संतरे भी इसमें फूट गए तो। निकल जा कंचन निकल जा। ना मैं तुझे ना मिस कॉल मारे करूंगा, तू मुझे फोन कर ले करिए। तुझे गांव में कोई छेड़ा है ना तू मुझे फोन कर दिए, मैं फोन ना घुस के उधेड़ दूंगा। तू टेंशन मत ले, जो मुझे छेड़ता है वो तो तेरे साथ ही जा रहा है। ओ आशिक रे जल्दी आजा, बस चलने वाली है, तेरा रोने धोने वाला प्रोग्राम भी बच रहा होगा, निपटा ले जल्दी आजा। तू चुपचाप बैठ जा, ठगत रहे ईंट मार दूंगा। भावना तू जा, बस जाने वाली है। अच्छा तुम खाना टाइम से खा लिया करना और इस डिप्टी से ना दूरी रहना, नहीं तो इसकी तरह बेकार हो जाओगे। अच्छा तेरे धोरे रह के बन गया बड़ा कमिश्नर। पागल कहीं का, तू छोड़ ना उसे। बाय। हेलो बाय भावना। भुक्का मर रहा दिखे साले, कहीं वापस गांव ना जाना पड़ जा, मेरा तो बापू भी ना घुसन दे अब। चल देखेंगे। अरे यार ये कहां से टपक पड़े? अरे कैसे, तू तो कह रहा था बहुत बड़ा काम है मेरा यहाँ। तो काम तो बड़ा है, तू इन भैंसों को देख के मत सोचे, डेरिया वहाँ बहुत बड़ी, पूरे गांव का दूध आवे। और भाई कैसा आया तुम यहाँ और कितने दिन के लिए आए हो? भाई जब तक चार आदमी हमें कंधे पे रख के शमशान नहीं छोड़ आते ना तब तक के लिए। ओहो बड़ी कामयाबी सोच के आए हो, और रहोगे कहाँ? जब तुम्हारे सोए हुए जमीर जगा रहा तू, यहीं सोओगे तेरे दौरे, यहीं रहेंगे तेरी छाती पे। अरे मैं तो खुद इन भैंसों की गैल सोऊं, तुम यहाँ कहाँ एडजस्ट करोगे? हम तो भैंसों की गैल भी एडजस्टमेंट बैठा देंगे क्यों डिप्टी? हाँ और देख भाई अब एडजस्ट तो तुझे ही करना, चाहे भैंसों की गैल रख या झोटो की गैल रख, कर ले यार प्लीज। चलो ठीक है तो मैं एक दोस्त के साथ एडजस्ट करवाता हूं। वो कौन है? मेरा स्टार यार मास्टर। मास्टर सलीम? अरे नहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ावे इस मारे उसे मास्टर कहवे। अरे जैसे ही डिप्टी है भाई तो किसी मास्टर धरे रखवा चाहे डॉक्टर धरे रखवा, बस रखवा ले। बच्चों पांच खेलों के नाम बताओ। कैंडी क्रश, लूडो। चुप, आजकल के बच्चे फोन से निकलने के लिए तैयार नहीं है। प्रज्ञा आप एबीसीडी सुनाओ। एबीसीडी एबीसीडी होती है, छोटी हो बड़ी हो। अरे मौज तो तू ले रहा भाई, चलो बाल को छुट्टी। अरे बच्चों को छुट्टी। अरे कौन है जो मेरे बच्चों को भगा रहा है? अरे मेरे दोस्त हैं डिप्टी और राज,
ये गांव से आए हैं। यार मैं तो मजाक कर रहा था, बालक सीरियस ही ले गए। अरे बड़ी मुश्किल से बालक घेरे, कोई स्कूल वाला नौकरी देने के तैयार नहीं। खैर छोड़, तू बता तू कैसे आया। अरे यार ये डिप्टी राज आज आए हैं गांव से, इन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए। भाई की सरकारी नौकरी दिखे, पोस्टिंग यही हुई दिखे। अरे ना भाई, इसका नाम तो कलवा, तो इसका बाप इसे डिप्टी बनाना चाहे था, डिप्टी तो बनाना, सोचा नाम ही धर ले। अरे मेरे जैसा हाल दिखे, चलो छोड़ दो, रूम की बात कर रहा था, मेरे वाला रूम चल जाएगा। हाँ चल जाओगा चल जाओगा। मेरा मकान मालिक 1500 रुपए लेता है, तुम भी 1500-1500 रुपए दे देना। ठीक है मास्टर। क्या ठीक है, मेरे पे कहाँ आए पैसे, मेरा टिकट भी डिप्टी ने लिया। मैंने ना लिया कोई भी टिकट विकट, पहले वो तो मैंने झूठ बोली थी, आया तू विदाउट टिकट ही है। और देख भाई मास्टर, मारे पे तो रला मिला के 500-450 रुपए होंगे, अब तू देख ले। मास्टर इस महीने किराया तू दे दे, अगले महीने का हम देख ले लेंगे। ओ भाई मैं 100-100 रुपए के ऊपर धक्के खाता फिर रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा 4500 रुपए। अरे इनका तो बहुत बुरा हाल है, तू के काम करे है? अब यो भाई बहुत जल्दी क्लर्क लगने वाला। अरे मैं इसकी ना तेरी पूछ रहा हूँ। भाई यू तू सेल्स मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा, और बाकी मैं क्लर्क बन ही जाऊंगा, यू मैनेजर बन जाऊंगा, बारे के न्यारे हो जाऊंगे। भाई कर ले एडजस्ट। एक तो स्कीम हो सकती है, मेरे मकान मालिक के सोने के बाद आना और उठने से पहले चले जाना, जब तो फ्री में रह सकते हो। जब फ्री रहना तो तू भी हमारी गैल रह ली। ठीक है चलो चलो चलो। यू है क्या घर? भाई थोड़ी नीची आवाज में ला भाई दारू निकाल। क्यों, मैंने ठेका खोल रखा, जब भी देखो ला दारू ला दारू। जब तक नौकरी लग जाती ना कोई दारू नहीं पिएगा। ओए चुपचाप सो जाओ, सोलो है, काम ढूंढना आयो दारू पीने आयो। कंबल दे दे भाई, चल परे। रे सो जाओ। अरे लौट जा, मत ना ड्रामे करे। सालो नू कह रहे थे कि नौकरी लगने के बाद में पिएंगे। Thank you.
सुबह हो गई। उई, ओए, ओए, सुबह हो गई। ओए, सुबह हो गई। हो जा चुपचाप, तू धार काटने जाना। अरे खुद भी मरोगे मुझे भी मरवाओगे। चलो अरे चलो खड़े हो यहाँ से। अरे मास्टर अबे दूध में पत्ती लगा दे यार। बड़ा है पुप्पी क्या आ रहा। लो फिर एक गिलास पानी पिला दे अपने फ्रिज में से। यहाँ बड़े फ्रिज धरे खड़ा हो ले खड़ा। अरे इस देसी फ्रिज को कह रहा हूँ इसमें से पिला दे। हाय हाय खड़ा हो ले खड़ा। तू भी तितर हो जाओ यहाँ से। अरे तो मास्टर कह रहा था चलते क्यों ना हो। कपड़े पैरों और चलते बनाओ। चाहे कुछ भी हो जा 1500 रुपए इकट्ठे करके लाने चाहे किसी की जेब काट के लानी पड़ जाए। सालों ने दुखी कर रखा। भाई सालों ने कतई फुटबॉल ही बना रखा। इससे पहले चोरी का इल्जाम लगे ना कुछ नौकरी वोकरी देख लो। सही कह रहा है यार तू। चलो चलो। अरे छोड़ ना। जी सुनिए। जी मैडम एक मिनट। कोई भी बच्चा शोर नहीं मचाएगा मैं अभी आती हूँ ठीक है। ये 9th क्लास किधर को है। अरे आप तो वही है ना जो पेड़ के नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप यहाँ कैसे। मेरी आज ही ज्वाइनिंग। ओ लेकिन आप 9th क्लास के हिसाब से बहुत बड़े हो। मैं स्टूडेंट नहीं मैं टीचर हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। 1st से 2nd वाली जो क्लास है वो 9th क्लास है ठीक है। थैंक यू। ठंड लग रही यार मुझे तो। भाई मैं तो कह रहा हूँ कब तक इंतजार करते रहेंगे अंदर चल रहे हैं सुबह मुझे काम पे भी जाना है। अरे भला तुम्हारा जमीर जगाया यहाँ खुद का भी सोना मुश्किल हो रहा इससे तो मैं तबेले में ठीक हूँ। अरे यार नौकरी मिल गई इंग्लिश टीचर की 10,000 रुपए सैलरी है। 10,000। भाई नौकरी तो मुझे भी मिल गई बस यार तनख्वाह ना बूझिए। पर दारू कहाँ है। अरे तू तो कह रहा था जब तक सेट नहीं होंगे पीएंगे नहीं। भाई इसका क्या पता कब तक सेट हो कम से कम दारू पी के अपन तो सेट हो लें। आजा चल। चलो। अरे रुको। मास्टर खोल जल्दी। साले दूसरे बैग में भी चीयर्स करे जा रहे हैं करे जाओ। वाह मास्टर तेरा ये फ्रिज बहुत गजब का है कुछ हो ना हो। मास्टर का फ्रिज गजब का। मास्टर एक गाना सुना दे आज बढ़िया सा। भाई गाना सुनाऊं अभी सुनाता हूँ। सारे काम में हो रहा था तेरी बाण करोला। सुन लगा कोई। तो बैग बना भाई। अरे बनान तो लग रहा हूँ ठावस तो कर ले। मास्टर तू गाना सुना यार। सारे मारी कोई इज्जत ही नहीं कोई गाना भी सुनाने को तैयार नहीं। नीट किया कर तेरा भाई आज। अबे और बनाऊ तेरा नीट। यार एक काम करो अब सो जाओ सुबह काम पे भी जाना है ठीक है ना। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। और नाइट और काम पे बहुत ज्यादा हो चुका है। सारे नौकरी मारी लगी काम पे तू जाएगा। और नाइट जाना तो तुम्हें ही है। अरे रात बहुत होगी सो जाओ अब। मास्टर ओ मास्टर मास्टर
मास्टर। अरे खड़े हो, मर गया दुकान मालिक आ गया, मुझे चलो उठो, दंगे हो गए, भागो रे यहाँ से। नमस्ते अंकल जी। ओह नो। नमस्ते अंकल जी, वो एक बीड़ी मिलेगी? मास्टर तेरे यही काम रह गए, जो अपने यार दोस्तों को बुला के दारू पिला के ड्रामे कर रहा। जी वो मास्टर यू कमरा खाली कर दे यहाँ से, देर मत कर, निकल बैग ठाक यहाँ से। अरे मर लो। डिप्टी मेरा बैग पकड़ ले यार। साढ़े डिप्टी मैं हूँ, बैग पकड़ूं तेरा है? रह पकड़ ले। अरे सालो अच्छा वाला सेट था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मारी गलती बता रहा, रात भर जो राजू पंजाबी बना घूम रहा था वो कुछ नहीं। तू चिंता मत करे मास्टर, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अरे 1500 रुपए में चारों रह रहे थे, इससे सस्ता कहाँ से लाओगे ढूंढ के? अरे इससे सस्ता भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे। हंस चल हमें कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे रुक जाओ, रात की उतरी तो है ना, पहले चल के नहाने धोने का जुगाड़ देखेंगे, फिर देखेंगे कमरा। मुर्गा खुल्ला भी करना। तो तुम छड़े हो? हाँ जी। चलो फिर खड़े हो यहाँ से। क्यों क्या हुआ जी? माफ करना जवान, कवारों के लिए नो मकान। अजी कौन कह राम कुवारे, तो भ्याई थे आए और छड़ा तो हमारा गोत है। अरे छावड़ा तो जाती मैंने सुनी थी, मगर छड़ा जाती पहली बार सुन रहा हूँ। अजी हमारी घरवालियाँ बिल्कुल सगी। सगी? भाई बहन तो मैंने बहुत सगे सुने हैं, मगर घरवालियाँ सगी? सुनो घर में मेरे जवान भतीजी है, अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो घरवालियाँ तुम्हारी भी नहीं बचनी, क्योंकि ये मेजर सूबेदार पद से रिटायर हुआ है, और मजे की बात ये है कि मैं भी कवारा हूँ। भाई तुमने शादीशुदा बता के घर लिया? अरे घरवाली कहाँ से लाओगे? अरे वो भी मिल गई। ले भाई ये तो मकान के साथ साथ लुगाई का भी इंतजाम करे घूम रहे हैं। साला मैं तो हस्बैंड बन गया, हस्बैंड बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट। रुक जा, हस्बैंड ना वाइफ। क्या मतलब तेरा हुए? मतलब यू है, गांव में तो साड़ी बांध के डेमो दे बैठा, ये हमारी लुगाई बनना। हट परे को मर्दा जाके, थारे साथ सोने से अच्छा मैं सड़क पे पड़े कुत्ते के साथ सो जाऊंगा। ओ कंजर इतने बेकार ना हम। अरे सुन घर बड़ी मुश्किल से मिला, समझ गया? अरे यार समझाओ इसे। अरे मान जा यार, अरे बिल्लो जी बड़े अच्छे मिलते पढ़ना टेक दू तेरे सालों में घर से अच्छा खाता धर्मेंद्र बनना आया था, तुम हेमावाली बनाने पे तुले हुए हो। मुझे बना के सड़क का संजय दत्त, खुद बन रहे हैं धर्मेंद्र। देख भाई डिप्टी, जब तक सेट नहीं होते ये साड़ियाँ जब तक ही बांधनी है, जो घर ना मिला ना पूरी जिंदगी भर पड़ा रही है उस दुकान में साड़ी बांध के। अरे मान जा यार। साला पता नहीं है कामयाब आदमी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अरे यार हम तीनों की एक ही घरवाली। दूसरी घरवाली तू बनेगा? अरे फूक पल्ली ओढ़ने। क्यों तेरी बारी को अब ब्लाउज खत्म हो गए? हाँ बता बता कहाँ गए बिल्लोज? बोल। ना भाई साड़ी ना, साड़ी में तो पेट दिखेगा। मास्टर आदमी है, खुद्दू थोड़ी ना है। तू एक काम करिए बुरखा पहन लिए। ओ भाई मैं भी बुरखा ही पहनूंगा है। तू तो रहने दे, तू तो वैसे ही मिठा सा। नमस्कार जी। नमस्कार। ये है जी नीलू। ये तो परी है जी। है जी? ना जी ना, कुछ ना। ये है जी सोफिया। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी इतनी सुंदर घरवालियाँ फिर भी मकान मिलने में परेशानी हो रही है? दिक्कत तो यही तो है, ये सोहनी इतनी है, किसी मकान मालिक से बोल रहे हैं इन पर नजर रखना, साला पूरी निगाह गाड़ के ही बैठ जावे। तुम्हारी नियत तो ठीक है ना सूबेदार साहब? नियत बदलते कौन सा टाइम लगे जी। देखो ना तुम हो इतनी खूबसूरत, मकान मालिक की भी क्या गलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में से कौन किसका घर वाला? ये हैं जी मेरे घर वाले। दोनों? और तुम अकेली? नहीं ये हैं मेरे घर वाले, ये तो नीलू के हैं। मुझे लगा ये दोनों सोफिया के पति हैं और तुम अकेली हो। जी अगर ऊपर कुछ परेशानी हो, रहने के लिए जगह कम पड़े तो नीचे एडजस्ट हो जाना, चाहे उसके लिए किराया कम देना। ना जी हम तो किराया भी पूरा देंगे और एडजस्ट भी ऊपर ऊपर होंगे।
मेरे साथ कोई एडजस्ट नहीं होती जी, यही परेशानी है। कुछ कहा जी? हाँ जी, मैं ये कह रहा था खाना यहीं पर खा के जाना, क्योंकि पहली बार आए हो ना। चाचा जी। अरे बेटा पायल, ये हैं अपने नए किरायेदार, और ये मेरी भतीजी पायल। राम राम जी, ये मेरी वाइफ नीलू। और ये मेरी वाइफ सोफिया। अरे तुम्हारी शक्ल तो हमारे नए मास्टर से मिलती है बिल्कुल। क्या नाम है उनका? जी सुनील जी, वो मेरा 2 साल छोटा चुकमा भाई है। हाँ? हम 2 मिनट छोटे को जुड़वा नहीं मानते, और तुम 2 साल छोटे को जुड़वा माने बैठे हो। नहीं जी, वो आपस में इनकी शक्ल इतनी मिलती है ना कि सभी ने जुड़वा जुड़वा कहने लग गए। आप कहती हो तो मान लेते हैं। उन्हें पता है तुम यहाँ पे रहने आई हो? हाँ जी ना, उन्हें मत बताना, इनकी और उनकी बनती नहीं है। अगर थारी छानबीन खत्म हो गई हो तो हम अपने कमरे में जावें। हाँ जाओ जी। सालों रहने के लिए यही घर मिला है तुम्हें? अरे हमें क्या पता, तुमने हर घर में अपने खाते खोल रखे हैं। अरे छोड़ो यार, ये जो जुड़वे वाला रायता फैलाया है इसे कैसे हटाएं? मैं क्या करूं साला, वो बुड्ढा मेरे पे लैन मारे जा। लैन? अरे लैन तो मेरा भी मारने का मन कर रहा है। कभी तुझे खत्म बनाऊं अभी। नीलू जी। ओह नो, साला यो नहीं जीते भाई, यो फिर आ गया। भाग लो। अरे ऐसे सामान को तो उठाओ। अबे क्या आंधी है? नीलू जी। खाना लाया हूँ जी आपके लिए, आज डिनर मेरी तरफ से था ना। जी धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारी घरवाले नहीं दिख रही? जी वो नहाने गई हैं। दोनों एक साथ? जी वो कमर पर हाथ में जाता ना तो एक दूसरे का साबुन लगा दे। मैं इस बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? वो नई नई जगह है ना इसलिए। नई जगह क्या, तुम पाताल में आए हो? खैर लगता है नीलू जी देर में आएंगे, नीलू जी को भी खिला देना खाना। जी कभी तुम अकेले टकार के बैठ जाओ। जी लेना आया, वो रोटी देना आया था। रोटी वोटी कुछ नहीं, वो साला झटके देना आया था। आज ना तो कल हम पकड़े जाएंगे। अरे तुम पहले इतना डर रहे हो तो पकड़े जाओगे ही? इतना कॉन्फिडेंस रखो, अगर चाचा भतीजी का थारा मेडिकल टेस्ट भी हो लगे ना तो तुम औरत ही पाओ। के कह रहा? अरे कॉन्फिडेंस भाई कॉन्फिडेंस। बच्चों भारत की राजधानी क्या है? वेरी गुड। सुनील जी तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे जीजू और बहन मिले थे। वे भी साथ में रहे मैं दोनों। खैर छोड़ो, तुमने अपना घर किराए पे दे दिया उन्हें। तुम्हें कैसे पता वो हमारे घर किराए पे रह रहे? वो किराए के लिए ढूंढ रहे थे ना, मैंने सोचा आपने अपना घर दे दिया किराए पे। अच्छा लेकिन तुम अपनी बहन और जीजा से इतनी नफरत क्यों करते हो? मेरी बहन ने दूसरे धर्म में शादी कर ली, मेरी उससे बनती नहीं है। अरे खैर छोड़ो, तुम अपनी क्लास में चलो, मैं अपनी में। जी बिल्कुल। नीलू
मैं तुम्हारे लिए शकरकंदी लेके आया हूँ। आज आपको शकरकंदी की कैसे सूझ गई सूबेदार साहब? मैंने सोचा तुम और हम दोनों घर में अकेले हैं और तुम अकेली बोर हो रही होगी, तो क्यों ना कुछ साथ में खाया जाए, इसलिए जाओ इनको गर्म कर दो। मेरे अंदर लग रहा है हीटर जो गर्म कर दूं। कोई नहीं, अपने हाथों से छू दो, मिठास पड़ जाएगी। शर्म आ गई, आप भी ना सूबेदार साहब, लाइए कर देती हूँ गर्म। लगता है बात बन ही जाएगी, आज तो मजा ही आ जाएगा, शकरकंदी दोनों साथ में खाएंगे। ये लीजिए सूबेदार साहब, खाइए ना। पहले आप खाइए। नहीं, पहले आप। पहले आप खाइए ना। खा ले अब। क्या? मेरा मतलब खाइए ना प्लीज। खा बेटा खा, लगेगा पता तुझे। इतनी कड़वी क्यों है ये? वो जी मेरे से ना ज्यादा जल गया था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा बर्नोल लगा दिया। भाग बेटे, अब मुझे उल्टिया करवाने को फिर रहा था, अब खुद उल्टिया करता फिर। यार कहाँ रहेगी, आई नहीं, पता ही नहीं। लाओ जी लाओ, इसे मैं लेके चलता हूँ। नहीं जी, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं, आप थक जाओगे, बहुत भारी है। बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो। जी कहिए। जब आपको मदद की जरूरत हो मुझे बता दिया करो। ओह मदद, मैं तो कुछ और ही समझी थी। आप क्या समझी, मैं मना कर दूंगा? बिल्कुल नहीं जी। मेरा घर आ गया। ओह वैसे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा ये बात है। जोगी मैं जोगी, आय हाय जोगी मैं जोगी, जोगिया मैं जोगिया, जोगिया मैं जोगिया, जोगिया मैं जोगिया मैं जोगी। तेरी कातिल अदा मरावेगी मन गाडन जोगी, तेरी कातिल अदा मरावेगी मन गाडन जोगी। तेरे प्यार में हो प्यार मैं रमता जोगी, तेरे प्यार में हो प्यार मैं रमता जोगी। हो
चल्या पारे बसावे ना मैं रया करूं सू जंगला में तन्ने ऐसे अमीरी लुटी से तू रया करे से बंगल्या में तन्ने ऐसे अमीरी लुटी से तू रया करे से बंगल्या में करे न बगमा बाणे में मन प्रेम करोगी करे न बगमा बाणे में मन प्रेम करोगी तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी आए तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी राख रमी सह रोम रोम मैं बिल्कुल सहना पावेगी संगल के माँ शेर बगेरे देख देख डर जावेगी संगल के माँ शेर बगेरे देख देख डर जावेगी देख देख डर जावेगी इब जहर प्यार का चढ़ गया रे मन रही न सोधी इब जहर प्यार का चढ़ गया रे मन रही न सोधी तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी आए तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी तेरी जोट का डाणी मोजी राकेश मिलेगा तेरी जोट का डाणी मोजी तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी आए तेरे प्यार में हो गया रे मैं रमता जोगी ओ, कहां चल दिया तड़की? अरे कंजड़ मरवाएगा के जो तेज आवाज में बोलना है तो लेडीज की आवाज में बोल ले। कहां जा रहे हो? काम पे। और कहां? तुम कहां चल दिए? इंटरव्यू देने। तुम जो तड़की रोज मुंह उठा के निकल लो, मैं क्या स्वेटर बुनने को रखी हुई हूँ। ओए आराम ते, सुबेदार के सोचेगा इनकी घरवाली भी गैल जा रही है। क्यों ना जाती है? साले मेरी तो मजबूरी है। अरे धीरे बोले धीरे। दीदी मेरी तो मजबूरी है, बड़ी मुश्किल में काम मिला है। मैं क्या सरकारी छुट्टी काटने आई हूँ, मुझे न जाना होता काम पे, मेरे भी सपने हैं। तुम्हारे चक्कर में तो मेरी जवानी निकल जाएगी। चुप हो जा, क्या हो गया तेरी जवानी को? और इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत? और जो इतनी दिक्कत है ना तो आज ही अलग हो जाते। हेलो, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो आज पता चला औरतों के दर्द क्या होते हैं। ओए तू चुप रह ले बस, मुझे हो रही देर, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। सुबेदार साहब आप? दूध देने आया था जी। दूध कितने देर लगे सुबेदार साहब? ना जी ना, दूध तो भैंस नहीं दिया, मैं तो पहुंचाने आया जी। चलो मैं पहुंचा दूंगा। वो नीलू दिखाई नहीं दे रही। नीलू? नीलू सो रही है अभी। अच्छा। ले सुबेदार ने, सुबेदार ने भेजा दूध। तेरी तो सुबेदार ने। मैं पहले ही कह रहा था कि सूबेदार हम पर निगाह रखे हुए। अरे जब तक सेट नहीं हो जाते शांति रख लो। शांति कर ले शांति, कोई बात ना भाई, समझ जा आप गयू। आज
फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेसुमार। योगासन है। ओह नो। ना सूबेदार साहब यो आसन ना, मैं तो वैसे ही लेटी थी। आप बताओ आप कैसे आए? मैंने आज तेरे साथ सुबह कुत्ते खानी होती देखी, मैं बर्दाश्त ना कर पाया। इसका मतलब आपको सब पता लग गया? मुझे तो अंदर तक की सब बातें पता लग गई। लेकिन मेरी कोई गलती ना, वो औरत वाला तो सब उनका करा था रहा है। आदमी की तो जाति इतनी बुरी होती है, घर में इतनी सुंदर लुगाई फिर भी मुंह मारते हैं। है? पार चक्कर? हाय मुझे वो सब याद ना कराओ, मैं तो लट गई, मेरे तो दाग फूट गए। दाग नहीं होता, भाग होता है। और मेरी मानो ना, जैसे तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है ऐसे तुम भी बाहर चलाओ। जी मैं कुछ समझी नहीं। मतलब जैसे तुम्हारा पति बाहर चक्कर चला रहा है ऐसे तुम भी बाहर चलाओ। पर बाहर तो कोई मुझे जानता ही नहीं ना। तो अंदर चलाओ ना, बाहर दीवार कूदने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाय अल्लाह, पाप लगेगा। जिस तरह के मेरे अंदर के हालात हैं, मैं कहता हूँ पाप नहीं पुण्य लगेगा। उस हंस को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। हाय अल्लाह, ना सूबेदार साहब। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में, हो तेरा पीछा ना, हो तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के, बात यूं मोड़ के, ओ तू आजा 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 आजा, ओ पगली आज आजा, ओ पगली 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 सजा। चाचा ये मकान मेरे नाम करा दे। क्यों, तेरे बाप का? मेरे बाप का तो पहले ही बेच के खा गया। चाचा चाची ले आया। जा मकान तेरा, बस एक बार कह दे चाची। ना कह रहा जा, चाचा ने छोड़ो चाची ने ठालो, इनका तो जमीन बंटवाने के हिसाब चल रहा। अरे यहाँ मत पकड़ो, यहाँ तो बाल हो। अभी तो बेटे तेना मेरे ना देखे। मेरा मतलब ये तो सारो कहीं हो। अब तेरी तो मार ले, तू ही मार ले खसमा खानी। अरे तू आया तो था, देख लिया तन्ने। कबड्डी 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 कबड्डी। आप कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? मन नहीं लग रहा था। अच्छा, पर वो क्यों? वो तो पता नहीं, पर कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। रियली? हाँ। बस रहने दो झूठे। लो जी अब घर आ गया। अरे चलो ना अंदर, तुम भी अपनी बहन से मिल लेना। ना ना जीजा होंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय बाय। भोली ढोली छोरी मेरी जान बन गी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बन गी, मान बन गी। ओ भोली ढोली छोरी मेरी जान बन गी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बन गी। ओ देखते ही हो गया मन्ने प्यार उस ते, देखते ही हो गया मन्ने प्यार उस ते, मेरे होठा की जानू मुस्कान बनगी, मुस्कान बनगी। भोली ढोली छोरी मेरी जान बनगी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बनगी। कालजे ने छोले उसकी मीठी मीठी बात रे, सुने भगवान चाहिए मन्ने उसका साथ रे, हो सुने भगवान चाहिए मन्ने उसका साथ रे, उसका साथ रे। आख्या ने झुका के न्यू देखे जानती, वो आख्या ने झुका के न्यू देखे जानती, ओ दिल ने बेकाबू बोली सियान करगी, सियान करगी।
भोली ढोली छोरी मेरी जान बनगी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बनगी। दिले आली कुंडी जब उसने दी खोल रे, होया मत होश सुने प्यार आले बोल रे, होया मत होश सुने प्यार आले बोल रे, प्यार आले बोल रे। सोनू शर्मा होया इब तेरा जान री, सोनू शर्मा होया इब तेरा जान री, तू प्यार आले दिल पे निशान करगी। ढोली ढोली छोरी मेरी जान बनगी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बनगी। से हाथ तेरे छोड़ चाहे मार, यो आरपी शर्मा जानू तन्ने करे घना प्यार, यो आरपी शर्मा जानू तन्ने करे घना प्यार, करे घना प्यार। ओ तेरे बिना इब यो मर जा जान री, हाँ तेरे बिना इब यो मर जा जान री, काद मालिक तू दिल में बसगी, भोली ढोली छोरी मेरी जान बनगी, ओ जिंदगी मेरी का अरमान बनगी। पायल, अरे भावना कैसी है तू? और कैसे आना हुआ आज? अरे वो मैं किसी से मिलने आई थी। ओहो, अच्छा जी। और वो भी किसी स्पेशल से। वाह बेटा, स्पेशल और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, हाय पायल। हेलो सोफिया भाभी। और कैसे हो सोफिया भाभी? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है भावना। अच्छा, चलो आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ना ना, तुम ही बैठो, वो आने वाले होंगे ना, उनके लिए खाना बनाती हूं। ओके चला जाओ। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक है। राज, और यहाँ अरे क्या तू टाइम ताजा करे, कुछ काम कर लेकर। तू पैर क्या लुगाई वाले कपड़े मार रहा डंड? एक तो काम करो, ऊपर से ताने सुनो, ऐसे ना चलने की है बात। ऐसे मत लड़ा करो ना, बड़ा प्यारा रहा। तुमसे शादी जो की है, आ जाओ भावना में। गगन घटा। भावना, अरे परे मारो जाके, थारे चक्कर में अपने घर का नाश कर लूं। मैं सारी बात भावना से बिल्कुल सच बताऊंगा। ओ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तेरा? वो जाके पायल को बताएगी और पायल सुबेदार को। अरे वाना बता ना किसी ते भी। औरतों के पेट में कभी बात हजम ना होती है। उसके हो जाएगी बस। क्यों, उसका हाजमा ढेर ठीक है? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तब मेरे घर के पीछे स्वार्थी क्यों हो रहे हो? अगर भावना का भय कहीं और हो गया ना, मैं तो मर जाऊंगा बिल्कुल। देख भाई, अपना गुजारा अब तो झूठ पे चल रहा है। एक झूठ बोल के और देख लिया भावना से, बता दिए तने भैया किस मजबूरी में करा था, और फिर भी बात ना बनी तो सच बता दिए। के बताऊंगा उससे? कह दिया लादेन की बहन है, जबरदस्ती ब्याह करवा दिया। तू चुप रह, मैं अपने आप संभाल लूंगा। अरे काम करिए, भावना के आगे मत आइए, उसने तुझे पहचान लिया ना तो चारों तरफ साफ हो जाऊंगा। ओ हुक्म के बादशाह, तुम्हारे पत्ते छोड़, अपनी चिड़ी की बेगम संभाल, चल। देखो ना दीदी, हट साली, ये गया तेरी सोतन लेने। साड़ा मर जा बहन चो।
भावना सॉरी। क्या करने आया है यहाँ, ये देखने के भावना मर गई है जिंदा है? मैं अपनी भावना को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आया हूँ। बस रहन दे और झूठ मत बोल, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरी क्या गलती थी? ये सब तो मैंने मजबूरी में करा यार। ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुझे ब्याह करना पड़ गया। हाँ, मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था और मैं बहुत जल्दी में था और वो भी जल्दी में था, लगी टक्कर और मर गया। अजी हाँ, तेरी टक्कर से वो आदमी मर गया। हाँ हाँ, वो बुढ़ा था, कमजोर बुढ़ा था, मेरी टक्कर लगी, वो गिर पड़ा, उसके सिर में चोट लगी और मर गया। पर मरते मरते ना नू कह लगा मेरी बेटी का कैंसर है और मैं उससे निकाह कर लूं। तू तो जाने ही है मेरा दिल कैसा है, मना मेरे पे भी नहीं। पर तुझे मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? आया ना, बहुत बार ख्याल आया, पर मुझे पता था कि मेरी भावना बहुत समझदार है और मुझे समझ लेगी। पर राज? पर वर कुछ नहीं, सोफिया के पास बहुत कम टाइम है और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, एक साथ रहेंगे और शादी को इतने दिन हो गए और मैंने उसे छुआ भी ना है। पर क्यों? सोफिया के अब्बू की आखिरी इच्छा उसके निकाह की थी, नाना बनने की ना थी। ओ राज, तुम दिल के कितने अच्छे हो ना, मैंने तो सोफिया भाभी को बहुत गलत समझ लिया। सोफिया भाभी? इसी साथ तुम भाण भैया ना बन जाओगे। ओ सॉरी सॉरी, मैं सोफिया से जाके बात कर लेती हूँ। यस। जी वो आज आप कैन नहीं लाई, मैं कब से आपका, मेरा मतलब है कैन का इंतजार कर रहा था, कैन भारी होती है ना, सोचा मैं पूछा दूंगा। जी नहीं, हमारी भैंस नाराज हो गई, उसने दूध देने से मना कर दिया। अब अगर आप मदद करना ही चाहते हो तो देख लो निकाल कर भैंस का दूध, शायद आपको दे दे। वो मैं भी आगे जा रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ ही चल चलूं। वो मेरा घर तो सामने ही है। कोई बात नहीं जी, वहीं तक साथ दे दो, फिर तो सारी जिंदगी साथ ही चलना है। जी आपने कुछ कहा? जी मैं कह रहा था बहुत खूबसूरत हो। अच्छा जी। हाँ जी, जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। रोशनी के साथ ये तुम्हारी झील सी आँखें, मैं तो इन्हीं में खो जाऊँ, मन करता है इन्हीं में डूबा रहूँ। और आपके बाल जैसे घनघोर काली घटा, आपके कानों से लटकते हुए झुमके मानो किसी ने सितारे सजा दिए हों। और आपका घर आ गया। ओ हाँ, अच्छा बाय बाय। रोशनी, कौन था वो लड़का? जी वो यहीं गांव में डेयरी पे काम करता है। डेयरी पे? हाँ जी, डेयरी का सारा काम वही संभालता है। तो वो यहाँ क्यों आया था? जी वो रोशनी, मैं भी किसी से प्यार करती थी। दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो वो मेरा पेट कैसे पालता? इसीलिए मैंने तेरे जीजा से शादी की, और देख आज मैं कितनी खुश हूँ, आज किसी चीज की कमी नहीं है। दीदी वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा, मैं जानती हूँ। बस रोशनी चुप कर, परसों मेरा देवर शहर से आ रहा है और तेरी शादी उसी से होगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे बताया राज ने आपके पापा के बारे में। पापा? पापा वाला काम तो ठीक हो गया। मैं समझ सकती हूँ आपको कितना बड़ा सदमा पड़ा है। सदमा? हम ना चले। अरे रुको, वैसे इनके पास कितने दिन बचे? जी 9 महीने तो लग ही जाएंगे। वैसे तुम इनका देसी इलाज क्यों नहीं करा देते हो? जी इनका तो करवा लिया, अब इनका करवा के देखेंगे। वैसे भी कल मैंने दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा था, नामर्द और बेऔलाद रोगी मिले। अरे नहीं नहीं, मैं इनकी कैंसर की बात कर रही हूँ। कैंसर? कैंसर किसे है जी? नीनू भाभी, कैंसर सोफिया को। अच्छा अच्छा, किसे है जी कैंसर? कैंसर नाम की तो कोई बीमारी नहीं होती, यही जज्बा होना चाहिए औरतों के अंदर इस नामुराद बीमारी से लड़ने का। सारे बोलो महिला समिति। नीनू भाभी, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। पर तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? जी वो इन
अच्छा दीदी तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ओह नो। साले, अरे गले लगा गई। छाती चीर गई कतई। साले बड़ी कोड़ी, कोड़ी, कोड़ी भर दे दोनों। ओ भाई, हम पहला लाइसेंस सूट वाले सूट वालों को गले लगा सकते हैं। जोबन की बड़े अंगिठी कदे बोले मीठी मीठी बोले मीठी मीठी। ओ मत जोबन की बड़े अंगिठी कदे बोले मीठी मीठी बोले मीठी मीठी। एक हाथ की लंबी गेटी, एक हाथ की लंबी गेटी, रजंदा दिखे नीर जिगर जिगर में खटके से, फोटुआली पीर जिगर में खटके से, फोटुआली पीर। कदे तो ने ना की मिलेगी सोपन में भरपूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी। कभी तो नैना की हूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी। कभी फोटू वाली हूर मिलेगी, कभी फोटू वाली हूर मिलेगी, तेरी लक्ष्मी चंद तक धीर जिगर में जिगर में खटके से, फोटुआली पीर जिगर में खटके से, फोटुआली पीर, फोटुआली पीर। हेलो। हाँ भावना। हाँ राज। एक बार छत पे आ जाओ ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। राज मैं नहीं आ सकती, अगर सूबेदार अंकल ने देख लिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तू फोन पे ही बता देना। फोन पे भी क्यों, चिट्ठी लिख के भिजवा दूंगा। अरे आ जाओ ना यार प्लीज। अच्छा चल ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। क्या है? आ रही हूँ, रुक जा। शाम को कैसे पता पड़ गया मैं सो रहा हूँ। ये
21 साल को मेरी मिली थी क्या? क्या है? हाँ बता, आपकी जरूरी बात थी। तेरे चेहरे की चांदनी के आगे चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, और जब तू मेरे सामने आती है ना तो फुरारे सी चढ़ जाती है। हाँ हो गया तेरा, अब बता क्या बात थी। साहब छोड़ दो मुझे, मैं चोर ना हूँ। तुझे कैसे पता मैं सूबेदार हूँ? वो जी आप में से सूबेदार वाली खुशबू आ रही थी। बेटे सूबेदार पोस्ट होती है, कोई पकवान नहीं। जो उसमें से खुशबू आएगी। और तू यू बता यहाँ करने क्या है? जरा शकल तो अपनी इधर दिखा। तेरी शकल तो नीलू से मिलती है। जी जी वो मैं नीलू का जुड़वा भाई हूँ। सारी दुनिया के जुड़वा यहाँ इकट्ठे हो रहे, बता क्या करने आया तू? जी मैं बहन से मिलन आया था। आज तक मैं कभी नीलू से रात में मिलने ना आया, तू मिलेगा? जी वो बहन का जन्मदिन है, 12 बजे के बाद सरप्राइज तिलक करने आया था। मेरी नीलू का जन्मदिन है? तू पर है मारे। तेरी तेरा चीजा तो बाद में मारेगा, पहले मैं मारूंगा। जीजा जी आ गए। भी तू तो कह रहा था यहाँ पे बहुत जरूरी काम है। काम तो जरूरी था, मुझे थोड़ी पता था इतना बड़ा ड्रामा लेकर जाओ। ये जरूरी काम था जिसकी वजह से पूरा कुनवा इकट्ठा हो गया। अरे सूबेदार साहब, तुमने क्यों शोर मचा रखा है? मैं क्यों शोर मचाता? तेरा साला आया था। है तेरा कौन सा साला आ गया? मेरा साला? जिसे अपने घरवाली की सुध-बुध ना हो वो दूसरे क्या खाक पता रखेगा। अरे नीलू का जुड़वा भाई आया था। अच्छा वो जुड़वा साला? तू क्या दूसरी का जुड़वा भाई समझ रहा था? तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हुआ? होने क्या था, तेरा जुड़वा भाई आया था, मुझे देख के ऐसा भागा जैसे जीजा के हाथ से साली छुटका भाग गए। हाय मैं तो लट्टी गई, मेरा भाई भगा दिया मुझे, अब तिलक कौन लगाएगा? मैं मर गया? हेलो कब? मेरा मतलब मैं मर गया के मैं लगाऊंगा तेरे माथे पे सिंदूर। क्या मतलब? और सूबेदार साहब तुम कैसे अपनी बेटी समझ रहे हो तो तिलक लगा के कन्यादान करोगे? और सूबेदार साहब तुम जाके सो जाओ और हमें भी सोन दो। चलो जी। अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें क्लास में ढूंढ रही हूँ। अच्छा मेरे पास फोन भी है, फोन भी कर सकती हो। क्या हो गया, इतनी उखड़ी उखड़ी बात क्यों कर रहे हो? सोफिया का फोन आया था, उसने सब कुछ बता दिया मुझे। ओह तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। देख लो एक शादीशुदा आदमी क्या कर रहा है। इसमें उस आदमी की क्या गलती है? अरे उसने ही तो बुलाया था भावना को फोन करके, इसमें भावना की क्या गलती है? भावना को? मैं तो उसके पीछे छत पर भी गई थी, मैंने सोचा कि उसे वहीं जाके समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नया ड्रामा शुरू हो गया। तुम भावना के पीछे गई थी? मुझे तो लगा। क्या लगा तुम्हें? छोड़ो इन सबको, भावना की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा जीजा ही ऐसा है इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। अच्छा जी, बड़ी जल्दी मेरी हाँ में हाँ मिला दी। वो तो जी जिंदगी भर मिलानी है। मतलब? मतलब प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। उसके लिए तो तुम्हें मेरे चाचा जी से बात करनी पड़ेगी। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं कर लूंगा। अकेले नहीं अपनी बहन के साथ, ताकि आप मेरे चाचा जी को थोड़े फैमिली वाले लगो। ठीक है पहले बहन बात कर लेगी फिर मैं कर लूंगा। अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। अच्छा चल।
बड़ा भाई बनकर आज मेरी बहन बन जा। तू परे कुमार कदी बहन बन जा कदी नीलू बन जा साला, तो ऐसा लगन लगा मैं आदमी ना हूँ औरत हूँ, बस बच्चे ही पैदा करने बाकी रह गए। अरे यार पायल चाहती है मैं और मेरी बहन दोनों एक साथ रिश्ता मांगने आए, और तेरे बिना काम नहीं चल रहा मान जाना। चल ठीक है के करना। बेटा पायल चाय और अखवानी लाई? लाती हूँ चाचा जी। ये लो चाचा जी आपका अखबार और ये लो चाय। थैंक यू बेटा। अच्छा बाजार जा रही हूँ मैं। चलो ना फिर। मैं अकेले जा रही हूँ। बता के तो ऐसे गई है जैसे अपने खसम को बताते हैं, लगता है बात बन रही है। राम राम जी। राम राम तो ठीक है, पर तू है कौन? जी मैं वो मास्टर। मास्टर ट्यूशन पढ़ू तेरे से? अरे चाचा जी ये सुनील है, मैंने बताया था ना आपको ये आने वाले हैं। अभी तो ये कह रहा मेरा नाम मास्टर है। अरे चाचा जी वो तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीचर है ना ये। यू कुछ ऐसे ना लग रहा जैसे सोफिया बुरखा उतार के आए गए हो। हाँ चाचा जी ये उनके भाई है जुड़वा, बताया था ना आपको। अच्छा वो 2 साल छोटा वाला जुड़वा? मैं तो इन जुड़वाओं की समस्या से बड़ा परेशान हूँ, लगा इनकी माओ ने शर्त लगा के जुड़वा पैदा करें। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चलो चलो ऊपर चलते हैं, सोफिया भाभी की बहुत तबीयत खराब है। क्या हो गया सोफिया को? बहन जी को कैंसर है। शुक्र है नीलू ठीक है, मैं तो डर गया था कोई खतरनाक बीमारी ना हो। चलो चलो चलो। देखो सोफिया भाभी कौन आया है। वो मैं देखता हूँ। बहन तू ठीक है? ना 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 तू बोले मत, कभी फंदा लग जाए सबको कैंसर हो जाए। कैंसर छुआछूत की बीमारी होती है क्या? पता नहीं मुझे तो। हे भगवान कहीं नीलू को ना हो जाए, ये तो नाती भी दोनों साथ में है। कैसी बात कर रहे हो चाचा जी? बहन मैं पायल से ब्याह करना चाहता हूँ, तुझे पसंद है ना? ऐसे गंदे सारे तो भाई भी नहीं करते जैसे बहन कर रही है। बहन नहीं सारे कभी करे ना तो इसे पता ना कौन सा इशारा कब किया जावे। मतलब हमारी धी बेटियां गंदे सारे करके बड़ी हुई है? क्या कह रही है यू? वो पूछ रही है कि ये रिश्ता मंजूर है ना आपको? बोलो चाचा जी। मंजूर है बेटा अगर तू कह रही है तो। चल बेटा चलते हैं। साले दारू का इंतजाम कर ले नहीं तो अभी तोड़वा दूंगा तेरा भैया। छोरी बड़ी दारू पीती होंगी। अरे साले छोरा हूँ। अरे ला दूंगा दीदी अभी ला रहे हो। लेखा चल। ले भाई मास्टर तेरा तो हो लिया टाका फिट। तेरा भी तो हो लिया। इसका किसकी गैल हो लिया? सूबेदार की गैल में। साले सिर में बोतली मारूंगा यो। ले भाई मार दे। अभी ना अभी तो भरी हुई है खाली करके मारूंगा। खैर सच्चे सूबेदार ने कर दुखी रखा सारे का, जब जी करे मुठा के ऊपर गुआ जा। और भाई घूरे तो ऐसा है जैसे मुझे अभी माँ बना कर छोड़ेगा सारा। अरे संतरा वापस दे। बे चकना खत्म हो गया, सुबह को और ला के दे दूंगा। क्यों रात को सूबेदार से मिलने का प्रोग्राम है क्या? इसमें बैंगन भी ना ला तो इसे फोड़। अब क्या कर रहा है रे मंडल भी ले घूम रहा तू तो सालो खोक का समझ रखा आयो। जी कर मंडल ले लो, माचिस ले लो, चखना ले लो, नमकीन ले लो, सालो दारू का ठेका भी सही बना लो। सालो ने दारू पिला पिला के मार दिया।
अरे तूने ये क्या कांड कर डाला करमजली? कुछ नहीं हुआ सूबेदार साहब, कुछ नहीं हुआ। सारा कुछ तो कर दिया और कह रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अकेली मांगी थी, एक के साथ एक फ्री नहीं। चल तू अस्पताल चल। क्यों? अरे मुझे चार किरायेदार रखने हैं, पांचवा नहीं। चल सूबेदार साहब मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं नहीं सुनता। सुनो ना। अब क्या सुनो? क्या सुनू मैं तेरी? मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। सुनो सुनो, मैं उसकी मोहब्बत नहीं रख सकता। बैठ, मैं बच्चा नहीं होने दूंगा। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? ये माँ बनने वाली है पर हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आपको शर्म नहीं आती आप पति होकर ऐसी बात करते हो? अरे मैडम कैसे समझाऊं तुम्हें, ये बच्चा मेरा नहीं किसी दूसरे पति का है। तो मैं क्या करूं इसमें? अरे जो करना वो करो, ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना, मगर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे इनकी शक्ल तो? हाँ हाँ, इसकी शक्ल इसके जुड़वा भाई से मिलती है, मगर इस बात का उस बात से क्या संबंध। अरे जल्दी करो कहीं बच्चा ना पैदा हो जाए। अच्छा अच्छा, आप बाहर जाइए, मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। अच्छा डिप्टी आपके भाई हैं, मैं मिली हूँ उनसे। ठीक है, आपको उनसे भी मिला देते हैं। जी मतलब? मैडम जी ये चीखना बंद करिए प्लीज। क्या है ये सब? ये एक लंबी कहानी है, मैं बताता हूँ। क्या मतलब? इस हंस की वजह से मेरी नीलू को क्या क्या दुख देखने पड़ रहे हैं। उड़ा लो तुम भी मजाक। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ आपका। मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता था, पर यो साला सूबेदार मुझे माँ बनाने पर तुला हुआ। जी हो गया जी। जी ऐसा कुछ नहीं है, इनको ज्यादा खाने की वजह से कोई बदहजमी हो गई है, आप ले जा सकते हैं इनको। जी धन्यवाद जी। अरे यार तू है, मैं समझा पता नहीं कौन आ गया। अरे मेरी भी नौकरी लग गई भाई। अरे इसमें तो बड़ी खुशी की बात है। अरे यू क्या बना घूम रहा है? अरे रूम में आ, मैंने सोची आदमी वाली फीलिंग ले लूं। बैंक में क्लर्क की जॉब मिल गई। अरे यू तो बड़ी खुशी की बात है, आज कुछ मीठा बनाएंगे। ले मैं अभी बना के लाता हूँ। चलो आज नहीं बचता मैं। के बात होगी बताओ कभी। माचिस कहाँ है माचिस? अरे के होया भाई बता तो सही। चलो तुम्हें पता ही ना कुछ के चल रहा। के चल रहा है? तुम्हें पता थोड़ी है सूबेदार की हरकतों का। सूबेदार तेरे पर लैन मार रहा है। साला वो तो पता ना के मारने को फिर रहा। मुझे जच्चा बच्चा केंद्र ले गया था, मेरा बच्चा चेक करवाने। साला थप्पड़ मार दूंगा, वो मेरे से ब्याह करने को फिर रहा। भाई या तो सूबेदार को सब सच सच बता दो, ना तो यो कमरा छोड़ो। अरे ऐसे कैसे बता देगा, उसे पता पड़ गई ना तुम मर्द है तो पायल का ब्याह मुझसे ना करने का। अरे सही कह रहा मास्टर, जब तक इसका ब्याह ना जाता ना चुप रहिए, समझ गया? तू बकवास बंद कर ले। साला गांव में साड़ी पैर पैर के घूम रहा था, कम से कम लोग इज्जत तो कर रहे थे। जब से साला नीरू बना हूं अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई। एक तरीका तो है। क्या? सूबेदार के नजरों में ये साबित करना कि नीरू बच्चा लाने वो किसी और के साथ भाग गई। क्या मतलब है तेरा भाई? अरे रात ठीक कह रहा, कल तू छुट्टी कर ले। चढ़ावे आई सया रात अंधेरी ना तू नाक चढ़ावे रे कर ले थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे रे कर ले थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे मैं उठू सारी हाण आज ओट ले तू मेरी मैं उठू सारी हाण आज ओट ले तू मेरी मौका लगे मर जाने मैं मर्ज मिटाऊं तेरी आए मौका लगे मर जाने मैं मर्ज मिटाऊं।
खातिर ठाके रिस्क मैं तेरे दौरे आया, एक बेला छाती के मेरा कर दे मन का चाया, कर दे मन का चाया। तेरी खातिर ठाके रिस्क मैं तेरे दौरे आया, एक बेला छाती के मेरा कर दे मन का चाया, कर दे मन का चाया। गणे दिना ते लाग्या मौका फेर हाथ ना आवे, गणे दिना ते लाग्या मौका फेर हाथ ना आवे, कर ले थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे, रह कर ले थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे। सारी सारी रात गुजारू मैं तो तेरी याद में, हा तेरा मेरा मिलना हो चा मन तक रू फरियाद में, सारी सारी रात गुजारू मैं तो तेरी याद में, हा तेरा मेरा मिलना हो चा मन तक रू फरियाद में, जान देने जुल्मी मन्ने पहल महोरी तेरी, जान देने जुल्मी मन्ने पहल महोरी तेरी, पहल महोरी तेरी। कदी मौका लाके मर जाने मैं मर्ज मिटाऊ तेरी, आए मौका लाके मर जाने मैं मर्ज मिटाऊ तेरी। मिठी गोली मैं तो जान गया सू तन्ने, कुछ करना से तो कर ले छोरी क्या तब कावे मन्ने, क्या तब कावे मन्ने। देवे मिठी गोली मैं तो जान गया सू तन्ने, कुछ करना से तो कर छोरी तू क्या तब कावे मन्ने, क्या तब कावे मन्ने। सारी हाना झूठे सपने क्यों तू मने दिखावे, सारी आना झूठे सपने क्यों तू मने दिखावे, थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे, रह कर ले थोड़ा प्यार बावली मतना वार लगावे। चांद बिना या तड़फे जावे पल पल जो चकोरी, हाय तेरे बिन अधूरी समन जिते तेरी कोरी, जिते तेरी कोरी। चांद बिना या तड़फे जावे पल पल जो चकोरी, हाय तेरे बिना अधूरी समन जिते तेरी कोरी, फोगाट में ब्याही आऊं या इच्छा से मेरी, ढाणी फोगाट में ब्याही आऊं या इच्छा से मेरी, कदी मौका लगे मर जाने मैं मर्ज मिटाऊं तेरी, आए मौका लगे मर जाने मैं मर्ज मिटाऊं तेरी। नीलू, नीलू भाभी, नीलू, नीलू भाभी, नीलू, नीलू भाभी, क्या हुआ? अरे सूबेदार साहब, तुमने कहीं नीलू को देखा है? मैं क्या तेरी घरवाली पर नजर रखूं जो मुझे पता होगा? अच्छा फसम को भी पता ना, दुनिया को क्या खाक पता होगा? वो तो मुझे पता, तुम निगाह रखो या ना रखते। सूबेदार साहब देखो तुम्हारे होते ही क्या हो गया। नीलू भाभी की छुट्टी, नीलू की चिट्ठी मैं पढ़ूंगा। मेरे प्यारे पति देव, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुमने मुझे कभी कोई खुशी दी ही नहीं। सूबेदार साहब का शुक्र है जिन्होंने मुझे बाहर चक्कर चलाने का आइडिया दिया। मैं अब अपने प्रेमी मिस्टर रामपाल के साथ जा रही हूँ। क्या हुआ? वो नीलू भाभी ना अपने प्रेमी रामपाल के साथ चली गई। यू तो गलत मतलब ले गई, चक्कर चलाने को हम क्या बुरे थे? अरे भागना था तो हमारे साथ भागती, अगर तू दुखी ना करता ना तो वो ना भागती। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी, ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि उसे भगाने में तुम्हारा ही हाथ है। सूबेदार साहब तुमने काम ठीक ना करवाया। अच्छा बकवास बंद कर ले, मैं नीलू किसी और के साथ क्यों भगाऊंगा? भगाता तो अपने साथ भगाता। चाचा जी ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हिज्जा राम राम। जब इसकी बहन भाग गई तो अब यू के करना आया यहाँ? तो हमने फोन करके बुलाया जब नीलू भाभी ना मिल रही थी तो। अरे डिप्टी तेरी बहन भाग गई। अरे मेरी बहन कैसी होगी? अरे उसे तो किसी के साथ भागने का एक्सपीरियंस भी ना है। कैसे करेगी वो अपना एक्सपीरियंस के आए?
किसने भगाई मेरी बहन उसकी बहन को? कैसे करेगी मेरी बहन बिना तजुर्बे के? वैसे मेरी बहन ने इस महीने का किराया तो दे रखा होगा, उसकी जगह मैं रह लूं। तू तेरी सकल पे बहन भाग गई, उसकी कोई चिंता नहीं है, कमरे में रहने की चिंता है। भाई भाई भाई, चिंता तो इस बात की है, अगर वो वापस आ गई तो यो सारा मामा ना के छोड़ेगा। तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था और एक हफ्ते से तुम दिखाई भी नहीं दी। हर पल मेरी जान निकलती रहती थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। अच्छा, इतनी फिकर है मेरी? होगी क्यों नहीं, मुंह से नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। हंस, परसों मेरी सगाई है। सगाई? मैं तो सोचता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो मैंने मना कब किया? तो फिर ये सगाई, फिर ये सब क्यों? एक हफ्ते पहले ही मेरी बहन ने रिश्ता तय किया है, उन्होंने हम दोनों को देख लिया था, उन्हें तुम पसंद नहीं। जिस लड़के को तुम जानती तक नहीं, उससे शादी कैसे कर सकती हो? वो मेरी बहन का देवर है, दोनों के घर वालों ने ये फैसला लिया है। तो फिर मेरा क्या होगा? हंस, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। जो मिली है वो तो छोड़ के जा रही है। वाली है और तू हाथ पाथर का बैठा रही है। जाके उसे शगुन दिया हो। हैं? के? और के क्यों? इनका तो पता भी आज ही लगा के भैया जी भी इश्क करे बैठे। अरे अब नू सोचो करना के है। अब तो सगाई तुड़वानी पड़ेगी। पागल हो गए हो तुम, ये मंगनी हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रही। तो तेरी जिंदगी का मजाक बन जान दे मैं, फिर रोज पी के दारू रोता फिरिए। ना यार, जहाँ वो ब्याह करा रही है वो खुश है और सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। देख भाई हंस, मंगनी तो उसकी होना देनी, चाहे किसी के हाथ पाई क्यों तोड़ने पड़ जाइयो। ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने उसकी मंगनी तोड़ने की कोशिश करी ना तो उसकी टांग में जरूर तोड़ दूंगा। ले लिए छुआरे, अब बताओ अब के करना। मेरे पास एक आइडिया है, जिसे रोशनी शादी होने वाली है ना, हम उस पर इल्जाम लगा दे कि वो पहली शादी शुदा है, शादी टूट जाओगी। कहते तू सही रहा। पर यो काम करेगा कौन? तू करेगा इस काम को। अच्छा खासा घर था, सेल्स मैनेजर बनना आया था, तुमने आधी दुनिया की घरवाली बना दिया। मुश्किल से तो अभी उस बुड्ढे से पीछा कटवाया मैंने। साड़ो अगर तुम्हारे साथ और थोड़े दिन रह लिया ना मैं, तो लोंडो पे लाइन मारता फिरूंगा। साला जब देखा जनानी बन जा, जनानी बन जा, दुखी कर रखा सालों ने। मेरा तो बस ना चल रहा, ना तेरा बच्चा नहीं फिट करवा। मास्टर, यू काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना भाई, मेरे पे ना बने जावे लोगों के सामने। साले कल को अगर तू प्रिंसिपल बन गया तो स्टेज पे क्या बोलेगा? अरे सारे बहाने बाजी छोड़, उसकी औरत बन जा, और ना तो आदमी बनने लाग, मैं ना छोड़ने का हूं तुझे। मास्टर, ओ मास्टर, अरे बारिश आ गई। बारिश तो ना रही खैर, पर अगर ना उठना तो थप्पड़ों की बारिश जरूर आने वाली है। अरे वो गया हंस, चल जल्दी सामान उठा, चल मेरी गैल। तेरी 12 बज गए साला, हंस वाली का ब्याह कहीं और हो गया ना तो जिंदगी भर मुझे खाएंगे। हो जाता यार। थोड़ा दुखी कर रखा। रुक जाओ,
इसका निकाह पहले मेरी बाजी से हो रखा है। हाँ जी मेरे वो है। यार मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने नहीं जानता। ऐसे ना बोल मेरे साजन। साजन? सच में मैं नहीं जानता कौन है ये। क्या कमी थी मेरे में? पेट में थोड़ी कब्जी तो रहती थी। बीमारी तो कोई ढंग की बता लेता। मैं यार नव चेक करना हूँ यार, ब्याह तोड़वाने। राज, oh no! तेरी कौन सी बहन का ब्याह हो गया इससे? जो मेरे साथ खड़ी है, मेरी बहन सब्बो। पर ये तो तेरी घरवाली है, बहन थोड़ी है। सुबेदार साहब, तुम मारे लफड़ों में मत बढ़ो। ये मेरी बहन है जी, उसका घरवाला। तुझे शर्म ना आ रही इतने पवित्र रिश्ते की मजाक बनाते हो? सुबेदार साहब, तुम समझ नहीं रहे, ये मेरी बहन है। तुम अभी होश में ना हो। माना के मैं नीलू के भागने के गम में डूबा हुआ हूँ, पागल ना हुआ अभी? यार मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने नहीं जानता। हंस, रोशनी वाले छोरे का तो पहले से ब्याह रखा, मंगनी टूटते ही तेरी शादी हो जाएगी, जल्दी आ जा। ये मंगनी नहीं हो सकती। अत्तरी, यू कहां से आ गई? मतलब आ गया, मुझे क्या पता कत्ता आ गया। नीलू, कौन हो तुम? मेरा घर वाला मुझे वापस दो। सूबेदार साहब, अब ये कौन है? ये मेरी नीलू है। हम तो कह रहे थे ये भाग गई। तुझे मेडल देना, तू कहाँ थी? कौन हो तुम? क्या नीलू नीलू लगा रखी है? मैं नीलू ना हूँ, गीता हूँ, और यू मेरा घर वाला है। अब यू तेरा भी घर वाला हो गया? ऐसा कौन सा इंग्लैंड का राजकुमार है जो तीन तीन लिए फिर रहा? सुनो गाँव वालो, अगर ये छोरा इन छोरों में से कोई भी झूठ बोल रहा होगा तो उसको इस गाँव से वापसी नहीं जाने देना। अरे यू मेरा घर वाला है। तो ये क्या झूठ बोल रही है जो तेरे से पहले खड़ी हुई है? तू के लेड़ा यहाँ, तुम्हारी वजह से धक्के खाती फिर रही हूँ। अरे पिटू भी मैं? नो नो, बिल्कुल ना, ये मेरा घर वाला है। तेरा घर वाला हंस पगली, तू उसे छोड़ कर एक आदमी को भगा के ले गई, अब इसे लिए फिर रही है? मैं क्या मर गया था? मने करी थी ना तुमसे, पर बाद में आए ना तुम। अच्छा हुआ तू आ गया, ये है जी नीलू का घर वाला। हंस, तुम शादीशुदा हो? नहीं 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 नहीं, क्या बता क्यों नहीं देता कि तू इसका पति है? सोने सूबेदार तेरी माँ का। चलो भाइयों, आप खाना खा लो, मैं छोड़े का निपटारा करवाता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ, तुम आए थे पहले? प्रधान जी, मेरी बहन का निकाह इनके साथ हो रखा है। बहन? वो भी तेरी? ये तो खड़ी। अरे ये तो सुनील की बहन है सोफिया। सुनील की नहीं, मेरी बहन है सब्बो। ओ बंद करो तुम सब अपनी बकवास, तुम यहाँ मंगनी तुड़वाने आए हो? ना, और मैं यहाँ मिस इंडिया बनने आई हूँ। अरे तू चाहता क्या है? ये मंगनी मैं बिल्कुल नहीं टूटने दूँ। आई तो तुम मंगनी तुड़वान, पर हाथ पा तुड़वा के जाऊंगे। चलो तुम अपना ये भेष उतारो और रोशनी को सब कुछ सच सच बताओ। अरे यार, यहाँ सूबेदार भी है, अगर उसे पता चल गया ना असलियत का तो 420 का केस लगा देगा। ले तुम्हारे मंगनी। हंस, कौन है ये लोग? ये दोस्त है मेरे। मैं पहले ही कह रहा था मैंने नहीं जानता, 420 है साले। हंस, तू तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। एक मिनट रोशनी, हंस अभी कुआरा है। ये सच कह रहा है रोशनी, हंस ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं डिप्टी हूँ, मैं ही नीलू और मैं ही गीता हूँ। और मैं भी सोफिया नहीं, मैं भी सुनील हूँ। रोशनी, तुम्हारी सगाई तोड़वाने का प्लान हमारा था, ये तो तुम्हारी सगाई की बात सुनते ही वापिस जा रहा था। इसका प्यार इतना सच्चा था ना कि हमारे जमीर जाग गए, वरना साला हम खुद 10 बजे से पहले न जाग के खबी। मुझे माफ कर दे रोशनी, आज इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। जो लड़का तेरी खुशी के लिए अपने दोस्तों से लड़ सकता है, वो पूरी दुनिया से भी लड़ सकता है। जा रोशनी, तेरे हंस को रोक ले, जा रोशनी। हंस? हंस कहाँ गया? हंस चला गया रोशनी, जा उसे रोक ले। हंस, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। अच्छा, फिर मेरा क्या होगा? मतलब? दीदी मान गई है। सच्ची? अगर पहले मान जाती तो 1.5 लाख का खर्चा ना बच जाता। तुम पागल हो। तुमने किया है? किसी का कोई भरोसा ना रहा। क्या क्या सपने देखे थे। सुबेदार साहब, मैं समझ सकता हूँ जब आदमी के सारे अरमान ठंडे हो जाए, वो भी बिना कुछ किए, तो दिल पर क्या गुजरती है। भाई, किसी के तो अरमान ठंडे हो, पर इनके अरमानों पर तो बर्फ ही पड़ गई।
सूबेदार साहब, नौकरी और छोकरी पाना बहुत मुश्किल काम है, अब समझ में आई है। अब यू डॉक्टर ने क्या लेने आई है, किसका चेकअप करेगी अब तू यहाँ? सूबेदार साहब, ये मेरे दिल का चेकअप करने आई है, मेरा टाक काफी फिट है इससे। साला जिसका यू पता नहीं आदमी है ये जनानी, वो भी अपनी को अपने साथ लिए फिर रहा। एक यू ही सूबेदार कवारा रह गया, रणवे का रणवा रह गया। भाइयो ख्याल रखियो, तुम ही कर लो मेरा ख्याल। सूबेदार साहब तुम टेंशन मत लो, हर रोज मैं 2 घंटे नीलू बन के तुम्हारे साथ गुजारा करूंगा। थोड़ी सी कैंटीन से मंगवा के रख लियो, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। दोने ना की हूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी। दोने ना की हूर मिलेगी, सोपन में भरपूर मिलेगी। अरे आंख ना जी, भगवान ने तेरे माथे में बिल्कुल अंधा ही हो गया। मुझे आपकी हर उस चीज से प्यार है जिसे आपने सिर्फ छुआ तक हो। चप्पल से मुंह की और तू फटेगा जूते जैसे मुंह का। अगर मेरे घर का कोई भी आदमी ऐसी हरकत कर देता ना तो जान से मार देता। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। मैं हर कीमत में तुम्हें पाकर रहूंगी कमल। कमर पे चोटी बड़खा ले रे सांप सा लड़े, सांप सा लड़े, तेरे वर्गा दूजा पीस बता पावे ना कड़े।